बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु में बढ़ नहीं सकते। इसलिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की परिपूर्णता की आवश्यकताएं हैं। हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को पाए हैं। हमारा लिए पवित्र आत्मा को पाना ही काफी नहीं है, वरन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना हमारा लिए बहुत आवश्यकताएं हैं। तो हम कैसे पवित्र आत्मा को समर्पित हो सकते हैं और हम कैसे पवित्र आत्मा में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं? हम ऐसा क्या करें जो हम अपने आप को पवित्र आत्मा में समर्पण कर सके, और समर्पण करने के बाद पवित्र आत्मा संपूर्ण रीति से हमारा जीवन पर अधिकार कर सके और चलाए सके, और पवित्र आत्मा हमको गाइड कर सके, और पवित्र आत्मा हमको पवित्र आत्मा हमको प्रभु की योग्य बना सके। इस सब बात होने के लिए अपने आप को हमको प्रभु में समर्पित करने की आवश्यकता है। जब तक हमारा जीवन को पवित्र आत्मा में हम समर्पण नहीं करेंगे, तब तक हम आत्मा में परिपूर्ण नहीं हो सकते। हम कैसे पवित्र आत्मा में समर्पण हो सकते हैं? हाउ टू सरेंडर टू द होली स्पिरिट। जब हम परमेश्वर के वचन को हम आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, अपना हृदय में हम बसाते हैं, हमारा हृदय में प्रभु की वचन को हम जगा देते हैं और प्रभु की वचन के अनुसार चलते हैं, तो पवित्र आत्मा में हम समर्पण हो सकते हैं। यदि हम पढ़ेंगे इजाया की किताब उसकी 66 उसका दूसरी पद में इस तरह लिखा गया, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथों की बनाई हुई है, इसीलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं ध्यान से सुनिए, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। जो कोई भी परमेश्वर का वचन सुनकर थरथराता है, परमेश्वर उसकी ओर दृष्टि डालेंगे, परमेश्वर उसकी ओर ध्यान देंगे। जब तक हम परमेश्वर के वचन को अपना हृदय में स्थान नहीं देंगे, परमेश्वर का वचन को हम आदर नहीं करेंगे, जब तक हम परमेश्वर का वचन को आदर नहीं करेंगे, वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक हम पवित्र आत्मा को हमारा जीवन में आने को यानी काम करने के लिए हम रह नहीं सकते। कब पवित्र आत्मा हमारा जीवन में काम करेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को हम ध्यान देंगे, आदर देंगे, सम्मान देंगे। सम्मान देने का यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर के वचन को पालन करना, जो कुछ भी वचन हमको कहता है उसको करना। हम वचन को आदर करते हुए, परमेश्वर का वचन को आदर करते हुए हम पवित्र आत्मा में समर्पित हो सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा गया कि परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है, उतना ही नहीं बल्कि जीवित है, ये कार्य करता है, काम करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन है और आत्मा है। The word of God is spirit. Bible says, Bible बताती है कि परमेश्वर का वचन आत्मा है। इसलिए वचन रूपी परमेश्वर यानी वचन को, यानी प्रभु की वचन को, कलाम को हमारा जीवन में जब हम आदर करते हैं और स्थान देते हैं, वचन के अनुसार हम चलते हैं, तब हम परमेश्वर, तब हम पवित्र आत्मा में अपने आप को समर्पित करते हैं और पवित्र आत्मा हमको गाइड करते हैं। यीशु ने कहा, जो पवित्र आत्मा आएगा, जो बात मैंने तुमको सिखाया है, ओ सर, वो आने से स्मरण दिलाएगा। मेरे प्यारे, ये प्रभु का वचन हमको पवित्र आत्मा में समर्पित होने में मदद कर सकता है। ये पहली बात, यदि आप पवित्र आत्मा में अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन को आदर करें,
सम्मान करें, वचन के अनुसार चले, जितना हो सके उतना आप रोज मनन करें, ध्यान करें। अक्षरों का सेवक मत बनिए, वरन आत्मा का सेवक बनिए। हेड नॉलेज के लिए परमेश्वर का वचन को आप ना सुने। हेड नॉलेज के लिए, अपना ज्ञान के लिए परमेश्वर का वचन का आप ध्यान ना करें, बल्कि परमेश्वर का वचन जीवित है और सत्य है, ये हमारा जीवन के लिए लाभदायक है। ओ जानवर जान लाता है वचन, ये जीवन बदल देने वाला वचन है। इसीलिए आए हैं परमेश्वर का वचन हम आदर करें। जो कुछ भी वचन हम सुनते हैं, जो कुछ भी वचन हम पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, ये प्रभु की वचन है, प्रभु की कलाम है, प्रभु की बात है, ये समझकर हम अपने हृदय में हम इसको इकट्ठा करें, ये अपने हृदय में हम संचय करें और प्रभु की वचन को आदर दे, तब पवित्र आत्मा में हम अपने आप को समर्पण कर सकते। बिना परमेश्वर के वचन के द्वारा, बिना परमेश्वर के वचन के बिना हम पवित्र आत्मा में समर्पित हो नहीं सकते। यदि आप पवित्र आत्मा में समर्पित होना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन को आदर करना सीखे, सम्मान करें। जब आप परमेश्वर के वचन को आप आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, तो पवित्र आत्मा दुखित होते हैं। यदि वचन सुनते हुए भी आप गलतियां करते हो, वचन सुनते हुए भी आपका गलती को नहीं सुधारते हो, वचन को सुनते हुए भी पाप में डूबे रहते हो, झूठ बोलते हो, हाँ, जो काम परमेश्वर के वचन हमको करने के लिए मना करता है, यदि हम उसी को करते हैं तो हम परमेश्वर की वचन हम अनादर करते हैं। We are not giving respect to the word of God. हमको परमेश्वर का वचन को हमको आदर करना है मेरे प्यारों, तब हम पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाएंगे और पवित्र आत्मा हम में बने रहेगा। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में रहो और मेरा वचन तुम में रहे, तो जो कुछ भी मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसीलिए हम प्रभु के वचन को आदर करना सीखे। आइए दूसरी बात को हम देखेंगे। यदि हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब उसकी 6 और उसका 19 पद में यहां इस तरह लिखा गया, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? वचन में लिखा गया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? दूसरी बात, हमको ध्यान देना है कि हम पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर का मंदिर है। हमारा जीवन में पवित्र आत्मा वास करते हैं। Be mindful of His presence. मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने आप को सतर्क रखे, अपने आप को ध्यान दे कि मैं अकेला नहीं हूं। I am not alone. Holy Spirit is with me. ये बात को सोचे, आप अकेला नहीं हो, आपके साथ पवित्र आत्मा रहते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है आप और मैं पवित्र आत्मा की मंदिर है। मेरे प्यारों, ये बात को हम ध्यान दे और अपना जीवन को अतिवाहित करें, जो चाहे वो ना करे। आज बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और उनका शरीर को पाप की ओर ले जाते हैं, मनमाना चीज खाते हैं और शरीर को अशुद्ध करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, वचन बताता है कि हम परमेश्वर की मंदिर है, ये परमेश्वर का मंदिर पवित्र होना है। जब तक आप अपने आप को ध्यान नहीं दोगे कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो, तब तक पवित्र आत्मा में आप समर्पित नहीं होंगे। यदि आप अपने आप को ध्यान दोगे
कि नहीं मेरा जीवन में पवित्र आत्मा वास करते हैं, मैं पवित्र आत्मा के साथ हूँ, पवित्र आत्मा मुझ में है, ये बात आप ध्यान से रखते हुए यदि आप अपना जीवन को चलाएंगे और प्रभु के साथ रहेंगे तो अपने आप को पवित्र आत्मा में समर्पित करते हैं। ऐसा ना सोचे कि आपको कोई नहीं देख रहा, मैं आपको कहना चाहता हूँ आपको पवित्र आत्मा देखते हैं, आपको गाइड करने के लिए पवित्र आत्मा है। मेरे प्यारो जो कुछ भी गलतियां करते हैं यदि जो कुछ भी पाप में हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ आप अपने आप को नष्ट नहीं करते हो बल्कि पवित्र आत्मा की मंदिर को आप नष्ट की ओर ले जा रहे हैं। कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, अपना जीवन को मनमाना व्यतीत मत कीजिए, अपना जीवन को मनमाना ना चलाइए, जो चाहे वो काम मत कीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्यारे यदि हम पवित्र आत्मा में अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं तो दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हम ध्यान दें कि हम पवित्र आत्मा की मंदिर है। पहली बात हम परमेश्वर की वचन का आदर करें, दूसरी बात हम ध्यान दें कि हम कौन है कि हम पवित्र आत्मा की मंदिर है, हम में पवित्र आत्मा वास करता है, तब हम पवित्र आत्मा में हम अपने आप को समर्पित हो सकते हैं। क्यों हम आज आत्मा में भर नहीं सकते, क्यों हम आज आत्मा को हम जान नहीं सक रहे, क्यों हम आत्मा की गाइडेंस हम पा नहीं सक रहे, क्योंकि हम हमको मालूम ही नहीं है, हमको ध्यान नहीं है, हमको ख्याल ही नहीं है कि हम पवित्र आत्मा की मंदिर है और पवित्र आत्मा हम में वास करता है। हम तो चर्च जाते हैं, दुआ भी करते हैं, कलीसिया मीटिंग कन्वेंशन में हम घूमते हैं। मेरे प्यारों में आपको कहना चाहता हूं सब बात अच्छा है लेकिन उसके साथ एक बात ध्यान रखे कि आप पवित्र आत्मा की जब हम पश्चाताप की जीवन व्यतीत करते हैं, जब हम पश्चाताप की जीवन व्यतीत करते हैं, when we live in repentance, जब हम पश्चाताप की जीवन व्यतीत करते हैं तब पवित्र आत्मा में अपने आप को हम समर्पित करते हैं। आज बहुत सारे लोग पाप करते हैं, गुनाह करते हैं लेकिन अपना पाप को नहीं मानते हैं, वे अपना पाप को अंगीकार करना नहीं चाहते हैं, प्रभु के सामने बोलना नहीं चाहते हैं, वे छुपाते हैं। आज बहुत सारे लोग गुप्त पाप में पाया जाते हैं, वो गुप्त पाप उनको खा रहा है, वो गुप्त पाप उनको सता रहा है, उनको सोने नहीं दे रहा है, उनको वो दुआ करने नहीं दे रहा है, परमेश्वर की ओर आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, वो आत्मिक में तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। एक ही मात्र कारण है आपने अपना पाप को आपने छुपाया। आई हम जो कुछ भी यदि हम गुनाह किए तो मान ले प्रभु के सामने और हम पवित्र आत्मा में अपने आप को समर्पित करें। वचन बताता है पहला यूहन्ना उसका एक का 9 पद में यहाँ पे इस तरह लिखा गया, मैं पढ़ना चाहता हूँ, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम अपने पाप को मान लेते हैं, जब आपने क्या हुआ गुनाह को हम मान लेते हैं प्रभु के सामने अंगीकार करते हैं तो वो परमेश्वर यीशु मसीह विश्वास योग्य है कि वो पाप को क्षमा करने में वो आपका पाप को क्षमा करेगा। जब आप अपना गुनाहों को कबूल करोगे, मान लोगे कि प्रभु मैं ऐसा पाप में हूं, मुझे निकाल दे, जब 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 हम अंगीकार करते हैं तो मेरे प्यारों, जब हम अंगीकार करते हैं तो मेरे मसीह और भाई और बहनों, हम पवित्र आत्मा को अपने आप में हम समर्पित करते हैं। बिना पश्चाताप के द्वारा, बिना पाप की अंगीकार के द्वारा हम अपना जीवन पवित्र आत्मा में समर्पित कर नहीं सकते। यदि आपने आपको समर्पण करना है तो जो कुछ भी पाप किए हो उसका प्रभु के सामने मान लो, प्रभु आपको क्षमा देने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। हालेलुया, वो दयालु परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है, वो आपको त्याग नहीं देगा वरन वो आपको हग करेगा।
वो आपको ग्रहण करेगा, वो बेटा के समान आपको रखेगा। जब हम पवित्र आत्माएं परिपूर्ण हो जाएंगे तो परमेश्वर आनंदित होंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप पवित्र आत्मा को अपना जीवन को देना चाहते हैं और समर्पित होना चाहते हैं तो अपना गुनाहों का अपमान नहीं अंगीकार करें और छोड़ दें। कहिए प्रभु आज से मैं आपके लिए जीना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपके लिए मैं जीना चाहता हूं, प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। ये सब बात आप कहोगे और पवित्र आत्मा आपका जीवन में कार्य करेंगे और आप पवित्र आत्मा में समर्पित हो सकते हैं और पवित्र आत्मा आपको गाइड करेंगे। तीन बात मैंने आपको बताया, परमेश्वर की वचन को आदर करने से हम पवित्र आत्मा की मंदिर है, ये बात ध्यान देने से। तीसरी बात, जब हम अपना गुनाहों को मान लेते हैं यानी पश्चाताप की जीवन व्यतीत करते हैं, और चौथी बात, जब हम विश्वास से जीते हैं, जब हम विश्वास से जीवित रहते हैं, जब हम विश्वास से हम अपना जीवन को हम चलाते हैं, तब पवित्र आत्मा में हम समर्पित होते हैं। आज बहुत सारे लोगों को वचन को मालूम है, वे वचन को जानते हैं लेकिन वचन को विश्वास नहीं करते हैं। आज बहुत सारे लोग वचन को जानते हैं लेकिन वचन को विश्वास नहीं करते हैं। वचन का ज्ञान उनके पास है, वे बहुत सारे वचन को सुनते हैं, वे चर्च जाते हैं, कलीसियाओं में हाँ डीप मैसेज सब सुनते हैं ज्ञान के लिए, हेड नॉलेज के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन को विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग आज पवित्र आत्मा में समर्पित नहीं हो पा रहे हैं, पवित्र आत्मा की आवाज उनकी तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आपको पवित्र आत्मा में अपने आप को समर्पण करना है तो आपको विश्वास से चलना है। वचन में लिखा गया इब्रानियों की किताब उसका 11 आयत उसका पहला पद, यहाँ पे इस तरह लिखा गया, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास किससे किया जाता है? जो दिखाई देता है, जो चीज हम देख सकते हैं उसको कभी विश्वास किया नहीं जाता क्योंकि वो विश्वास करने का योग नहीं है, इसीलिए कि उसको हम देख सकते हैं। विश्वास उस चीज को हम कर सकते हैं जिसको हम देख नहीं सकते। हम विश्वास से जीवित रहे, हम विश्वास से जिए। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने से हमको अनंत जीवन मिलता है, विश्वास करने से हमारा पाप क्षमा होता है, विश्वास करने से हमको उद्धार मिलता है। वचन बताया जितनों ने उसको विश्वास किया और ग्रहण किया उसको परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार दिया गया। जो कोई उस पर विश्वास किया वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्यारो, विश्वास की प्रार्थना सामर्थ्य होता है। जब हम विश्वास से चलेंगे, जब हम विश्वास से अपने आप को चलाएंगे और परमेश्वर के वचन को विश्वास करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को हम विश्वास करेंगे, तब हम पवित्र आत्मा में समर्पित हो सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा से हम वचन को समझ नहीं सकते क्योंकि पवित्र आत्मा हमको सहायता के लिए दिया गया है। पवित्र आत्मा हमको इसीलिए दिया गया है कि हम स्वर्ग के लिए, पवित्र आत्मा हमको तैयार करने पाए, पवित्र आत्मा हमको बनाने पाए। इसीलिए प्रभु ने उनकी सहायक को भेजा है, जो जो आत्मा है पवित्र आत्मा है। यदि आपको पवित्र आत्मा को अपने आप को समर्पण करना है तो आपको विश्वास से जीना पड़ेगा, अपने आप को विश्वास से चलाना पड़ेगा। बाइबल बताता है कर्म बिना विश्वास मृत्यु है।
without work, faith is dead. मेरे प्यारों, यदि आप प्रभु से विश्वास करते हो तो रोज परमेश्वर की वचन को पढ़ो, परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर का वचन वचन के अधीन में चलो। परमेश्वर का वचन जो कुछ भी हमको आज्ञा देता है, परमेश्वर का वचन हमको जो कुछ भी करने के लिए मना करता है, वो सब को हम छोड़ दे। परमेश्वर का वचन जो कुछ भी हमको करने के लिए मना करता है, उसको ना करें। और हम रोज प्रार्थना करें, प्रार्थना में अपने आप को चलाए, प्रार्थना में हमारा जीवन को व्यतीत करें, तब हम पवित्र आत्मा में अपने आप को हम समर्पित कर सकते हैं। आपको मैंने चार बातें बताया कि हम कैसे पवित्र आत्मा को अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। पहली बात, परमेश्वर की वचन को आदर करने से। दूसरी बात, इस बात को ध्यान देने से कि हम पवित्र आत्मा की मंदिर है। चौथी बात, जब हम पश्चाताप की जीवन व्यतीत करते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं। चौथी बात, जब हम विश्वास से चलते हैं, जब हम विश्वास से अपने आप को ले जाते हैं, तब पवित्र आत्मा हमको गाइड करेंगे और हम पवित्र आत्मा में समर्पित हो सकते हैं। जब ये चार चीज हम करेंगे मेरे प्यारों, तो पवित्र आत्मा हमको गाइड करेंगे, पवित्र आत्मा हमको चलाएंगे। मैं नहीं कहता कि आप पवित्र आत्मा नहीं पाए हो, आप पवित्र आत्मा पाए हो, पवित्र आत्मा आपको मिला हुआ है, पवित्र आत्मा की दान आपको दिया गया है। लेकिन आज आज दुख की बात है, हम परमेश्वर की वचन को आदर नहीं करने से और हम माइंडफुल नहीं होने से कि हम पवित्र आत्मा की मंदिर है और पश्चाताप की जीवन नहीं जीने के द्वारा और विश्वास नहीं करने के द्वारा हमारा जीवन में आज पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहे हैं। जब तक हम पवित्र आत्मा को अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे, तब तक पवित्र आत्मा हमारा जीवन में काम नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा में समर्पित होने के लिए मैं आपको चार बातें बताया। आइए हम परमेश्वर के वचन को आदर करें। परमेश्वर के वचन हम सम्मान दे, हमारा जीवन में रखे, हमारा हृदय में स्थान दे, ये बस इन कार्य करने पाए। और हमको ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर का मंदिर है, हमारा जीवन में पवित्र आत्मा वास करते हैं, हमारा जीवन में पवित्र आत्मा वास करते हैं, ये मंदिर है। और हमको पश्चाताप का जीवन काटना है, पश्चाताप का जीवन व्यतीत करना है। जो कुछ भी गुनाह किए हैं हमको मान लेना है। आइए मेरे प्यारों, यदि हम जो कुछ भी पाप किए हैं तो प्रभु से कहे, प्रभु मैं आज अपने आप को आप में समर्पित करता हूं। और चौथी बात, विश्वास से जिए और इस बात को विश्वास करें और प्रभु की ओर से है ये बात समझ कर।